वीडियो में मैं आपको ये इस तरह का राउंड डॉली दिखाने वाली हूँ या आसन दिखाने वाली हूँ, जिसे आप अपने भगवान के मंदिर में भगवान की मूर्ति रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आपने डाइनिंग टेबल पर चाय कॉफी के मग ग्लास रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या कॉर्नर टेबल हो आपके यहाँ तो कॉर्नर टेबल पर उसे फ्लावर पॉट वगैरह रखने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है बनने में। मैजिक रिंग बनाई, तीन चेन बनाई और इस भी मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशे। ये जो डबल तीन चेन हमने ली उसे भी हम डबल क्रोशे में काउंट करेंगे। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ये हमारे 12 डबल क्रोशे हो गए हैं। इसे हम टाइट कर लेंगे और तीसरी इस वाली पहली वाली जो हमने चेन ली थी उसमें तीसरी चेन में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से तीन चेन लेंगे, जहाँ स्लिप स्टिच हमने बनाई उसी में एक डबल क्रोशा और बनाएंगे, यानी हमारे जो 12 डबल क्रोशे हैं उन पर अब हमें 24 डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी हमारे हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनेंगे। ये इस तरह से हर एक डबल क्रोशे पर 2 डबल क्रोशे, तो हमारे 24 डबल क्रोशे हो जाएंगे। और ये मैं राउंड अपना पूरा कर लेती हूँ। ये हमारा सेकेंड रो 24 डबल क्रोशे की कंप्लीट हो गई। इसे तीसरी चेन से जोड़ दिया स्लिप स्टिच से। तीन चेन लेंगे, जहाँ स्लिप स्टिच से हमने जोड़ा था वहीं पर एक डबल क्रोशा बनाएंगे और उसके अगले डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशा। उससे अगले में 2 डबल क्रोशे, फिर इस अगले में एक, फिर अगले में 2, फिर एक, 2, 1, 2, 1, 2, 1 करके पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसे स्लिप स्टिच जोड़ देंगे। ये हमारे 36 डबल क्रोशे बने हैं थर्ड राउंड में। 1, 2, 3 थर्ड राउंड। अब फोर्थ राउंड, फिर से तीन चेन, 2 डबल क्रोशे, यानी एक हमने जो चेन ली तीन चेन की वो डबल क्रोशे और एक उसी में डबल क्रोशा। उसकी अगली चेन में एक डबल क्रोशा और उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशा, यानी पहले हमें 2 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट दो चेन में हमें एक एक डबल क्रोशा लेना है। फिर से पहले 2 डबल क्रोशे और ये नेक्स्ट दो में
एक एक, इसी तरह से हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। दो एक एक, दो एक एक, इस तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 48 डबल क्रोशे से पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, यानी पूरे हमारे 48 डबल क्रोशे हैं हमारे पास। स्टार्ट हमेशा तीन चेन, अगले डबल क्रोशे में एक, उससे नेक्स्ट वाले में एक, उसके नेक्स्ट में एक, यानी अब हमारे फिफ्थ राउंड में दो डबल क्रोशे, उसके अगले में एक, उसके अगले में एक, उसके अगले में एक, यानी तीन, हमें तीन डबल क्रोशे लेने और दो ये वाले डबल क्रोशे लेने। ये देखिए, एक डबल क्रोशा, उसी में दो डबल क्रोशा, अगले एक दो तीन, तीन डबल क्रोशे पर तीन डबल क्रोशे, एक दो और तीन, इस तरह से हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इसमें दो डबल क्रोशे और अगले तीन में एक एक डबल क्रोशा। ये अपना मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करके आगे का दिखाती हूँ। ये हमारा 60 डबल क्रोशे के साथ फिफ्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। एक दो तीन चार पाँच, हम अपना ये धागा कट कर लेंगे। मैंने इसमें ये डार्क लगाया है, इसमें लाइट लगाया है, तो लाइट डार्क दोनों लगा सकते हैं। तो इसमें मैं ये लाइट कलर का लगा रही हूँ। यहीं से स्टार्ट करेंगे हमारा जो अपने स्लिप स्टिच से बंद किया है। एक दो तीन, एक चेन और चार चेन और उसी जगह एक डबल क्रोशा और, ये हमारा 20 स्टिच बन जाएगी। ये वाली, ये वाला नेक्स्ट छोड़ के अगले अगली चेन में एक छोड़ के अगली चेन में हम डबल क्रोशा, एक चेन और उसी जगह एक डबल क्रोशा, ये छोड़ के अगले में एक डबल क्रोशा, एक चेन, एक डबल क्रोशा। ये देखिए, एक एक बीच में छोड़नी है। इसे स्किप करेंगे और अगली चेन में डबल क्रोशा, एक चेन, ये डबल क्रोशा। ये देखिए, इस तरह से हमारे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, हमारा कंप्लीट हो गया है।
इस तरह से हम इसे इस धागे को कट कर लेंगे। अब ये जो हमारे हमने ये बनाए हैं वी, तो इनमें जो गेप है इसमें हमें अपने फ्लावर बनाने हैं। इसमें हम अपने पहले तीन चेन लेंगे हम। एक डबल क्रोशा, दो डबल क्रोशे, तीन, चार, यानी तीन चेन और चार डबल क्रोशे, यानी कुल मिला के हमारे पास पांच डबल क्रोशे हो गए। अब हम इस चेन जो हमने डबल क्रोशा पहला वाला बनाया था ना, उसकी तीसरी चेन और ये वाला, इसको इस तरह से करेंगे। ये हमारी कली हो गई। दो चेन बनाएंगे, फिर से ये जो वी बना हुआ है, ये वाला वी, इसके अंदर फिर पांच डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, और ये पांच डबल क्रोशे। इसे हम थोड़ा सा बड़ा खींच लेंगे धागा। ये देखिए पांच डबल क्रोशे, और ये जो पहला डबल क्रोशे है, इसकी चेन में, और ये जो हमारा है धागा, अब क्रोशे में डाल के इसे टाइट कर लेंगे और इस तरह से इसे इस क्रोशे में, इस चेन में से निकाल लेंगे। फिर से दो चेन, ये देखिए एक बार और दिखाती हूँ। एक, दो, तीन, चार, पांच। इस धागे को थोड़ा बड़ा करके खींच के निकाल लेना, और जो पहला ये पहला डबल क्रोशे है उसकी चेन में ये डालेंगे हम क्रोशा अपना, और इसको इस तरह से डाल के टाइट करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से हमारी सारी कलियां हम बना लेंगे। दो चेन बना के फिर से पांच डबल क्रोशे, और इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा ऑरेंज कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे, ये जो हमारी तीसरी चेन है उससे हम अपने स्लिप स्टिचेस को जोड़ लेंगे, और इसे ये देखिए मेरे बाकी के कलर ये मैंने इसमें बना रखे हैं, और ये देखिए ये सारे कलर मैंने इसमें बना रखे हैं। तो ये सारे बना के आप गिफ्ट भी किसी को कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेंगे। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।